इमरान खान की पसंदीदा तुर्क शायर यूनिस अमरा की जिंदगी पर एक नज़र। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तुर्क तारीख में दिलचस्पी किसी से छिपी नहीं। सरकारी टीवी पर चलने वाला ड्रामा अर्तगरल इसका मुंह बोलता सबूत है, जिसकी नशर होती ही पाकिस्तान भर में अवाम इस ड्रामे के शहर में मुफ्तला हो गयी है। इस ड्रामे के बाद इमरान खान एक और तर्क ड्रामा पाकिस्तानी अवाम को दिखाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल जावेद ने ट्वीट किया और बताया कि अर्तगरल के बाद इमरान खान चाहते हैं कि तर्क ड्रामा यूनिस अमरा पाकिस्तान में नशर किया जाए। यूनिस अमरा 13वीं सदी में अनातालिया में रिहायश पसीर थी। इनके जिंदगी से मुतल्लक बहुत सी मालूमात तो तारीख की औरक में गुम हो गई, लेकिन तुर्क की लोक दस्तानों में अब भी इनकी जिंदगी की बेशतर कहानियां जबान जद आम है। यूनिस अमरा ने जब अनातालिया में आंख खोली तो ये मुल्क तिजारती सियासी फनूनी लतीफा की सरगर्मियों का मरकज था। मुल्क में सुलजूक हुकूमत का जोर टूट रहा था और सल्तनत उस्मानिया की बानी अर्तगरल अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। सुलजुकों के दौर में सूफी मजहबी और सियासी मामलात में हुकूमत की रहनुमाई करते थे। यूनिस अमरा भी सुलजूक दौर में सरकारी अहदे पर फाइज थे। यूनिस अमरा पहली तुर्क की सूफी शायर थी जो आसान तर्क जबान में शायरी करते थे। इसी वजह से इनका पैगाम अवाम के दिल की गहराई तक उतर जाता था और इसी वजह से इनकी मकबूलियत और मदाहों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता गया। यूनिस अमरा ने वहदनियत, खुदा और इसके बंदों से मोहब्बत को अपनी तालीमात को माहूर बनाया। इन्होंने अपनी शायरी के जरिए इस्लाम के तीन दर्जे बयान की। पहला ईमान यानी खुदा पर यकीन, दूसरा इस्लाम मतलब इस्लामी तालीमात पर अमल, और तीसरा एहसान यानी खुदा की मखलूक पर एहसान करना। इनका कहना था कि जो पहले दो दर्जों पर पूरा उतरी और तीसरी को तलाश करी वो सूफी कहलाएगा। यूनिस अमरा की शायरी का सबसे पुराना रिकॉर्ड 15वीं सदी की मसूदों की सूरत में मिला और वो इससे पहले भी शायरी करते रहे थे, लेकिन इसका रिकॉर्ड जाया हो गया या मर्तब नहीं किया गया। 1923 में जब मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने जदीद सेकुलर तुर्की की बुनियाद रखी तो इन्होंने कौम परस्त नजरिए को बढ़ावा देने के लिए यूनिस अमरा जैसे मौद्दत तुर्क अदीबों, दानिश्वरों और शायरों की काम को फरोग दिया। अक्वामे मुत्तहिदा ने 1991 में भी इनकी 750वीं सालगिरह के दिन को यूनिस अमरा का साल करार दिया। 2015 पर तुर्की की एक टीवी पर इनकी जिंदगी पर ड्रामा सीरियल यूनिस अमरा मोहब्बत का सफर नशर किया गया, जो अब नेटफ्लिक्स पर भी मौजूद है। दो सीजन पर मुश्तमिल इस ड्रामा सीरियल को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उर्दू जुबान में पाकिस्तान में नशर करने की ख्वाहिश रखती है। इस वीडियो के नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ में बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, मैसेंजर पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर।